हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मोमो तो सब लोगों को पसंद है, लेकिन आज थोड़ा सा हटके बनाएंगे। आज हम बनाएंगे चिली मोमोज। बहुत ही ज़्यादा इजी रेसिपी है और ना ये झटपट बनके भी रेडी हो जाती है, और कुछ ही इंग्रेडिएंट्स में बनेगी, टेस्ट में एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल बनने वाली है। चलिए झटपट से बना लेते हैं हम चिली मोमोज। पैन में 1 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे, थोड़ा सा गर्म करेंगे, फिर मोमोज डालेंगे। आप स्टीम मोमोज डालिए, कोई सा भी डाल सकते हो। मैंने यहाँ पे आटे के वेज मोमोज लिए हैं। बहुत सारे मोमोज की रेसिपी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, जरूर चेक कर लेना। तो इसे 2 मिनट के लिए नीचे से एकदम क्रिस्पी कर लेना होगा। अब सारे मोमोज एक प्लेट में हम उठा लेते हैं। सेम पैन यूज करेंगे, ऑयल डालने की जरूरत नहीं है। 1 टीस्पून चॉप डालेंगे गार्लिक, 1/2 टीस्पून चॉप्ड ग्रीन चिली और 1 टीस्पून डालेंगे चॉप्ड स्प्रिंग अनियन। 1 मिनट के लिए भुनेंगे, फिर इसमें डालेंगे थोड़े से डाइस कट अनियन, थोड़े से डाइस कट कैप्सिकम और थोड़े से डाइस कट टमाटो। टमाटो का शीट मैंने निकाल लिया है। 1/3 स्पून हम डालेंगे सॉल्ट और शुगर। अच्छे से मिक्स करेंगे और 2 मिनट के लिए ना इसे हम भून लेंगे। अब इसमें डालेंगे 2 टीस्पून शेजवान सॉस। ये मेरी होममेड है, इसकी रेसिपी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अब इसमें हम थोड़ा सा सोया सॉस डालेंगे, हल्का सा कलर के लिए, ज्यादा नहीं डालना है। अब इसमें हम डालेंगे पानी। मैंने यहाँ पे 1 टेबलस्पून पानी डाला है। मिक्स करेंगे, 2 मिनट के लिए पका लेंगे। अब इसमें हम मोमोज डाल देंगे, ऊपर से डालेंगे थोड़ा सा हम स्प्रिंग अनियन। अब मोमोज को अच्छे से सॉस वाली ग्रेवी में कोट करना होगा और फिर बस 2 मिनट के लिए ही इसे हम पकाएंगे और फिर गैस को ऑफ कर देंगे। तो देखिए, हमारी गर्मा गर्म चिली मोमोज बनके रेडी है। आप इस रेसिपी को जरूर से ट्राई करना। मैं तो इसे लेफ्ट ओवर मोमोज से बनाती हूँ और मेरे घर वालों को बहुत पसंद आती है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो फिर लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।